Hello friends, Kalra School Halol presenting this video for standard 10th English medium. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book First Flight, lesson number 4, Anne Frank. Friends, we were already discussed about the previous part of this lesson in our video number 1 of this lesson. Those who hadn't seen that video, they go and watch that video firstly so that you can understand what is the exact matter in this lesson. Now we are discussing ahead or remaining part about the lesson. Anne Frank जो है वो डायरी के अंदर जो लिखी हुई है वो डेट यहाँ पे बताई गई है सैटरडे 20th June 1942 को लिखा गया था. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स. हमारा जो पूरा क्लास था वो क्विकिंग इन द बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ अ फियर एंड नर्वसनेस. पूरा क्लास जो था वो नर्वस था और घबराया हुआ था. द रीज़न, उसका रीज़न क्या था? ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back. तो उसका एक ही रीज़न था कि नेक्स्ट फर्दर जो अपकमिंग मीटिंग होने वाली है उसमें टीचर्स जो थे वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन आगे की क्लास में जाएगा और कौन वहीं का वहीं पीछे रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधे से ज़्यादा जो क्लास था वो शर्त लगा रहा था. जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्स शेली एट द टू बॉयज़. मैं और जी एन जो उनकी फ्रेंड थी वो हम हंस रहे थे एक दो जो स्टूपिड बॉय थे सिली बॉय थे जो उनके पीछे बैठते थे उनके ऊपर हम लोग हंस रहे थे. सी एन एंड जैक्स, उनके नाम क्या थे? सी एन और जैक्स नाम थे. हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड. उन्होंने क्या किया था? उनके पूरी हॉलीडे की जो सेविंग करके रखी थी उन्होंने उनकी शर्त के ऊपर लगा दी थी. फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक वो एक ही बात करते थे. इट्स You are going to pass. वो क्या बात करते थे? तू पास हो जाएगा. I am not. मैं नहीं होऊंगा. Yes, you are. हाँ, तू हो जाएगा. No. I am not. तो यही बात वो लोग करते थे. तू पास हो जाएगा. मैं नहीं होऊंगा. तू पास हो जाएगा. मैं नहीं होऊंगा. Even GS, plaintive glance and my angry abstracts can't clamp them down. GM's मतलब उनकी जो फ्रेंड थी GS, उसके बहुत ही सॉफ्टली मतलब प्लेंटिंग ग्लैंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही शांत तरीके से उसने समझाया, फिर भी वो चुप नहीं रहे और मैंने गुस्से से आउटब्रस्ट एंग्री आउटब्रस्ट मतलब मैंने गुस्से से उनको चुप कराने की कोशिश की फिर भी वो काम डाउन नहीं हुए. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज, हमारे क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे डमीज है. डमीज क्या होता है? डब्स जो कहते हैं, डमीज का मतलब होता है जो फुल स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं उनको. दैट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back. Sorry, बहुत सारे ऐसे डमी स्टूडेंट थे, देखने जाए तो आधे से ज़्यादा जो क्लास है उनको तो यहीं रहना चाहिए, पास नहीं करना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. एनी फ्रैंक कहती है टीचर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसे क्रिएचर होते हैं, मतलब ऐसे डिसीजन कभी कभी ले लेते हैं जैसा हमने सोचा भी नहीं होता है. इसीलिए टीचर्स को एनी फ्रैंक क्या कहती है? अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. आई एम नॉट सो वरीड, मुझे कुछ ज़्यादा चिंता नहीं थी अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मेरी जो दोस्त थी उनके बारे में मुझे चिंता नहीं थी, एंड माई सेल्फ, पर मेरे बारे में, क्योंकि हमको पता था हम पास होने वाले हैं. वी विल मेक इट, हम लोग हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एक ही सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मैं श्योर नहीं थी और वो कौन सा था? मैथ्स था. एनी वे ऑल वी कैन डू इट्स इज वेट, एनी वे हम कर सकते थे वो क्या क्या कर सकते थे? वेट कर सकते थे. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर, जब तक हम लोग एक दूसरे को कह रहे थे नॉट टू लूज द लूज हार्ट, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ माई टीचर्स, मेरे टीचर्स के साथ अच्छे मतलब के अच्छे तालुकात थे. देयर आर 9 ऑफ देम, मेरे 9 टीचर के साथ अच्छे रिलेशन थे, अच्छे तालुकात थे. 7 मैन, 7 जो थे वो मैन थे और 2 वुमेन थी. मिस्टर केजिंग जो थे वो कौन थे? द ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी का मतलब क्या दिया हुआ है? एंड ऑल्ड फैशन पर्सन, बहुत ही पुरानी फैशन वाला जो पर्सन होता है उसको ओल्ड फॉगी कहा जाता है. हु टीचेस मैथ्स, वो हमको मैथ्स पढ़ाते थे. वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजिस बिकॉज आई टॉक टू मच, वो बहुत बार मेरे के ऊपर गुस्सा हो जाते, मेरे पर चिढ़ जाते थे क्योंकि मैं
क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सिवलर वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग देने के बाद ही असाइन मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर एसे लिखने का दिया था। वो सब्जेक्ट का नाम क्या था? अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स सब्जेक्ट के ऊपर हमारा जो मैथ्स के टीचर थे केजिंग, उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने का दे दिया एज अ पनिशमेंट, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। अ चैटर बॉक्स, वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया। आई जॉटेड डाउन द लिटल इन माई होम इन माई नोटबुक, मैंने नोटबुक में उस टाइटल को लिख लिया कि भाई चैटर बॉक्स के ऊपर मुझे होमवर्क करना है। ट्रक्ड इन माई बैग, मैंने अपने बैग में रख दी वो नोटबुक एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की उनके पीरियड के अंदर। दैट इवनिंग, शाम को, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने मेरा बाकी सब होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे, तो मुझे याद आया ऐसे लिखना है मुझे चैटर बॉक्स के ऊपर, कॉट माई आईज, मेरी आंखों के सामने आया। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चाउइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन, मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट किया, और मैंने उस टाइम पे सोचते टाइम पे मेरे पास जो फाउंटेन पेन थी उसकी जो टिप थी, ऊपर का जो पार्ट था, वो अपने मुंह में चबा रही थी। एनी वन कोड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी लिख सकता है बड़े बड़े, रैम्बल ऑन मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर अ लॉन्ग, लंबा लंबा बिना मतलब का जो लिखावट होती है उसको कहा जाता है रैम्बल ऑन, कोई भी लिख सकता है बराबर, और बीच में बड़ी बड़ी स्पेस छोड़कर वर्ड लिख सकता है, बहुत बड़ी राइटिंग लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्वेंसिंग द आर्ग्यूमेंट टू प्रोवोक द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कन्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, मतलब फालतू के लिखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लिखावट कैसी होनी चाहिए, एनीथिंग सोचती है, एनी फ्रेंक सोचती है कि लिखावट एनी होनी ऐसी होनी चाहिए कि जो सामने वाले को कन्विंस कर सके, सामने वाले को दिमाग में वो बात उतर जाए, इस तरीके की कन्विंसिंग होनी चाहिए। I thought, मैंने सोचा और सोचा, and suddenly I had an idea, और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages, मैंने 3 pages भर के लिखे। Mr. Kissing had assigned me and was satisfied, Mr. Kissing ने उसको चेक किया और वो सेटिस्फाइड हो गए। I argued that, मैंने उसके अंदर आर्ग्यूट किया था, उस ऐसे के अंदर क्या किया था, टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रीट, टॉकिंग जो होता है वो स्टूडेंट की ट्रीट, मतलब एक तरीके की हैबिट या कह सकते हो, या एक तरीके का अंदर की जो खूबी होती है वो स्टूडेंट की होती है कि क्लास के अंदर बातें करना ये नेचुरल है स्टूडेंट के लिए। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को अंडर कंट्रोल रख सकूँ, मीन्स के जब मिस्टर केजिंग पढ़ा रहे हो तो मैं बातें ना करूँ, मैं ट्राई करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डीड इफ नॉट मोर, लेकिन मैं इसको खाली कह सकती हूँ कि मैं उसको कोशिश करूँगी, मैं उसको पूरी तरीके से क्योर करूँगी ऐसी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो बता रही है कि मेरी मदर को भी ऐसी हैबिट थी कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, और मैं भी करूँगी, मैं आई डिड इफ नॉट मोर, मैं उससे तो ज़्यादा बातें नहीं करती थी। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रीट्स, मतलब इनहेरिटेड ट्रीट्स का मतलब क्या होता है कि क्वालिटीज फिजिकली और मेंटली दैट वन गेट्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स के जैसी ही हमारे पेरेंट्स जैसी ही हमको मिलती है, वारिस के अंदर मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, इनहेरिटेड ट्रीट्स। उनकी मदर जो थी एने फ्रैंक की, वो सॉरी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए उनको भी इनहेरिटेड ये बातें करने का जो गुण था वो मिला था। मिस्टर केजिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट जब मैंने लिखा तो मिस्टर केजिंग बहुत हंसे थे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब नेक्स्ट लेसन के अंदर भी मैंने अपनी बातें करने की प्रोसीजर थी वो चालू रखे, ये असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने के दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, और उस टाइम पे उस जो लेसन ऐसे दिया दूसरी टाइम पे उसका नाम क्या था, इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड अ बैड, कोई ख़राब इंसान जिसको आप बदल नहीं सकते।
ऐसा लिखने का मुझे दिया, आई हैंडेड इट इन, और मैंने उसको लिख दिया और मैं उसको मिस्टर केसिंग को दे दिया। हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन, और उसके बाद मिस्टर केसिंग ने लगातार दो लेसन चलाए लेकिन मेरी कोई कंप्लेन नहीं की। However, during the third lesson, जब लेकिन तीसरा लेसन चल रहा था, he would finally had enough, तो उनकी बर्दाश्त करने की जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। Anne Frank as a punishment for talking in class, और फिर उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि Anne Frank, तुम्हें क्लास में बात करने की पनिशमेंट दी जाती है, तुम्हें राइट ऐसे राइट करना है जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस्ड चैटर बॉक्स। मिस्टर केजी ने क्या कहा कि भाई बहुत हो गया, बहुत हद हो गई बात करने की, अब तुम्हें एक ऐसे लिखना है, उस ऐसे का टाइटल क्या होगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये एने फ्रैंक को दिया गया लेटर लिखने का। यू कैन सी द मैथ्स टीचर मिस्टर केजिंग, और ये जो है वो हमारी एने फ्रैंक है, उसको बातें करने की पनिशमेंट पे तीसरी बार ऐसे लिखने की पनिशमेंट दी गई। द क्लास रॉड, पूरा क्लास हंसने लगा। आई हैड टू लाफ, मैं भी हंसने लगी। दो आई वुड नियरली एग्जिस्टेड माई इनजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। अब इनजेन्यूटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, मतलब मैं जो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी दो बार लिख चुकी थी, दो बार मैंने चैटर बॉक्स के ऊपर लिखा था, इसलिए अब जो था वो ख़त्म हो चुका था, मेरे पास लिखने का कोई मैटर नहीं था इसके ऊपर। और तीसरी बार सेम टॉपिक पे मुझे लिखना था तो मैं क्या लिखूँ, मेरे पास आई डोंट हैव एनी आइडिया टू राइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इट वॉज द टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि कुछ और किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल किया जाए। माई फ्रेंड सैने, मेरे एक फ्रेंड थे जिसका नाम क्या था, सैने, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री के अंदर अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एट इन अ वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर अ जॉय, जिसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी क्या लिखने के अंदर, ये ऐसे लिखने के अंदर, और वो एक अच्छी तरीके से पोएट्री लिख पाती थी। उसने शुरुआत से एंड तक वर्स के अंदर, मतलब पोएट्रिक राइम के अंदर, वो जो चैटर बॉक्स की जो ऐसे था वो लिखने में मेरी मदद की और मैं खुशी के मारे कूद पड़ी। मिस्टर केजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस ridiculous subject, but I would make sure that the joke was on him. Mr. Casing जो थे वो ये topic देकर मेरा मजाक बनाना चाहते थे class के अंदर, लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि मैं मेरा मजाक नहीं बनने दूंगी, मैं इस मजाक को उल्टा कर दूंगी। I finished my poem, मैंने अपनी poem ख़त्म की, and it was beautiful, और बहुत ही beautiful थी। It was about the mother duck, वो poem किसके ऊपर थी, एक mother duck के थी और एक father swan था, with their three baby ducklings, और उनके तीन baby ducklings थे, who were beaten to death by the father because they quacked too much, और उनके पिताजी ने उनको मार मार कर मार डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। Luckily Mr. Kissing took the joke right way, बहुत मेरा नसीब अच्छा है कि Mr. Kissing ने ये joke को एक अच्छे वे में लिया, उसको गलत तरीके से नहीं लिया, चिढ़ जाते तो और मेरी परेशानी बढ़ जाती, लेकिन अच्छा है लकीली उन्होंने ये जोक को राइट वे में लिया। ही रीड द पोएम इन द क्लास, उन्होंने क्लास में ये पोएम सुन के बताई, एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स, अपने खुद के कॉमेंट भी डाले, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरे क्लासेस के भी उसके अंदर जाके उन्होंने ये पोएम पढ़ाई और बताई। Since then I would been allowed, उसके बाद तो मुझे परमिशन मिल गई टू टॉक टू, haven't been assigned mine any extra homework, तो उसके बाद तो मुझे परमिशन मिल गई कि मैं क्लास में बात कर सकती थी, और मैं बात करती थी तो भी मुझे किसी भी तरीके का होमवर्क नहीं मिलता था। On the contrary of Mr. Kissing's always making joke this days, और contrary मतलब उससे उल्टा ये हुआ कि Mr. Kissing जो थे वो अब क्लास के अंदर क्या बोलने लगे थे, jokes बोलने लगे थे। Yours Annie, और ये अब लास्ट में जो Annie है अपना नाम लिखकर वो ख़त्म करती है, और ये जो एक्सटर्न था वो डायरी ऑफ Annie, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के अंदर से लिया गया था, थोड़ा बहुत एडिशन था और बाकी सब जो था वो Annie Frank का ओरिजिनल डायरी के अंदर से लिया गया था। तो ये Anne Frank का जो लेसन था, फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग दिस लेसन इन टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट के अंदर हमने इस लेसन को पढ़ा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मैटर इन दिस लेसन, आप लोगों को समझ में आया होगा रिलेटेड टू दिस वीडियो। व्हाट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर आई विल सेंड थ्रू द पीडीएफ, मैं पीडीएफ के थ्रू आपको भेजूंगा और वो आपको लिखने हैं। उसके अलावा इस लेसन के यू कैन सी थिंकिंग अबाउट द टैक्स, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7
और ये 7 के ये सारे जो है वो आपको यहाँ तक आपकी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको आई विल सेंड यू थ्रू द PDF, मैं आपको भेजूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेसन, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। बाय।